खबर अजमेर से है, जहां जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त दातानगर निवासी किशनलाल के रूप में की। वहीं इस दौरान मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भाई हमें तो 9:45 बजे अभी थाने पर सूचना मिली थी कि जवाहर रंगमंच के सामने CMH ऑफिस के सामने एक डेड बॉडी पड़ी है, जो हमने आके मौके पर देखा है। मृतक का नाम किशन लाल सुनोब दलेल सिंह रावत, उम्र 72 साल, दातानगर पानी टंकी के पास बता रहे हैं। और यहीं पर इनकी लड़की मिली है सोनू नाम की, जो बता रही है 4-5 साल से ये घर से अलग ही रह रहे हैं और यहीं रहते हैं, रात को भी यही सोते हैं। सर पे छोटे-छोटे आई इनके, क्या लगता है? छोटे थे, इनके पास एक वो क्या शराब का पौवा भी पड़ा है और थंबे के लिए डिवाइडर के बीच में, तो शायद कहीं रात को नशे से में थंबे से कुछ टच हो गया हो, गिर गए हो, तो पीछे सर पे थोड़ी सी चोट है, ज़्यादा अभी गंभीर नहीं है। हाँ, वो तो रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम होके बाद ही स्पष्ट होगा।